वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सात संगत जी, मैं समुची मानवता तो कुछ सवाल करना चाहना गा जी। जे एंड के जम्मू कश्मीर जेडे अतवादी सरगना है उन्होंने तंजीम के रूप में कहा जाता है, उत्थे जदों उत्थों दे कश्मीरी लोकल खास करके छे जिलों के कश्मीरी लोग जे कोई उत्थे फौजियों नूं किस फौजियों के मुंह ते आके थप्पड़ तक मार जांदे आ, वर्दियां गोलियां चों अतवादियों नूं कढ के लै जांदे आ जी। एक फौजी मरे उत्थे दिवाली मनाई जांदी है, अमरनाथ यात्रा के टाइम छे छे महीने कश्मीर नूं बंद रखा जांदा है, बोहरानी मरण से 136 स्कूल कॉलेज ते सरकारी संस्थावां एक दिन च तबाह कीतीआं जांदीआं ने, फूक दित्ती जांदी ने, अग ला दित्ती जांदी है, उन्होंने गोली चलाने का हुक्म नहीं है। एक मेजर साहब ने एक अतवादी बोरनट के अगे बिठाया, सारे हिंदुस्तान अफसोस कर रहे, उन्होंने गोली चलाने का हुक्म नहीं है। आ सच्चा सौदा के प्रेमी पंचकूला किने उन्होंने उत्थे गोलियां मार के मारन का हुक्म देता, नहत्थे कश्मीर च गोली नहीं चला सकते। इतने एक मिनट तुसी 500 के नेड़े प्रेमियों दी लाशां बना के अज उन्होंने मावां ने उन्होंने फोटो अपने बच्चों दी पेटियां दे दरिया थले लुकोतिया साडे मुंह चो आ नहीं निकली। मैनू एक समझ आउंदी है जी, क्योंकि असी 800 साल तो गुलाम ही रहेंगे, 800 साल तो असी गुलाम ही रहेंगे, साडे चो गुलामी नहीं गई, साडे चो गुलामी नहीं गई, असी ईरखा बस जाने आ। गुनाह सी डेरा मुखी दा, उह निहत्थे क्यों मारे गए, साडे कोले कोई जवाब नहीं, साडे कोले कोई जवाब नहीं है। तुहानू मैं एक चीज पुछदा, तुसी अज दे साइंटिस्ट बने हो, हर गल कहने हो कि उन्हें कोख के मीडिया ने फैसला दिता है, कोर्ट ने फैसला दिता है। CBI दे 24% केस पैन इंडिया, तुसी रिसर्च करो तो सही, 100 दे पिछे 24 फैसले CBI दे बाद दे विच कैंसल होंदे है। CBI नूं माफी मंगनी पैंदी उन्हां केसां ते। लेटेस्ट एग्जाम्पल है कर्नल पुरोहित दी, कर्नल पुरोहित एक लेफ्टिनेंट कर्नल बंदा, SSP रैंक का बंदा, 9 साल जेल दे विच रहा, CBI ने सजा सुनाई, NIA ने सजा सुनाई, ATS ने इंक्वायरी की, पर बाद च निकलिया कि कुछ भी नहीं, कि 9 साल च उहदी जिंदगी नहीं बर्बाद होगी। जे 24% मैं एक झूठ बोलदा कि इस चीज की गारंटी है कि मेरी अगली कही गल सच्ची होगी, ते जे CBI दे 24% केस दे विच CBI गलत साबित हो जाती है, तो इस चीज की गारंटी तुसी लै सकदे हो कि इस केस च गलत साबित नहीं होगी। हैरान होंगे देशवासी तुसी सुन के, यह एक पहला अजिहा केस है जिन्हों गुमनाम चिट्ठी के आधार पर सजा सुनाई गई है। कोई दसो कुड़ियां का ना की है, कहणगे जी कुड़ियां डरदियां नहीं आईयां, मैं कहना कुड़ियां डरदियां नहीं आईयां, ठीक है मान लाने तुहाडी गल, कुड़ियां डरदियां नहीं आईयां, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ, उन्होंने नारको टेस्ट दिखाओ, उन्होंने फोरेंसिक लैब चो टेस्ट हुए दिखाओ, कुछ भी नहीं, कख भी नहीं जी साडे कोले, असी ईरखा बस जाने वाले बंदे हाँ। 90 तो ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस डेरा सच्चा सौदा दे, पूरी इंडियन आर्मी नूं खून सप्लाई करता सी डेरा सच्चा सौदा, एक दिन दे विच 5 करोड़ तो वध दरख्त लगाया इस डेरा सच्चा सौदा ने, दुनिया भर के अनाथ आश्रमां दे विचों लिया लिया के बच्चों नूं पनाह दित्ती है इस डेरा सच्चा सौदा ने, वेशवावां नूं नवीं जिंदगी दित्ती है इस डेरा सच्चा सौदा ने, अंगहीणां नूं अंग प्रोवाइड करवाया इस डेरा सच्चा सौदा ने। ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਬਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਕਿੱਥੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਕਿੱਥੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੋਹਰਾਨਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੜਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹੇ ਕੋਈ ਭੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲ ਚ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਪੂਜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਸ਼ਮਾ ਚੜਾਇਆ ਨਾ, ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਓ,
ठीक है जी, कानून नूं समझना, कानून की गहराई तक जाओ, पर जिहड़ा ईरखा का चश्मा उतारो, नहीं असि बहुत वड्डी दलदल दे विच तसे जा रहे हैं। जीरो, यह हिंदू राष्ट्र बनाउण दा एजेंडा है मोदी जी का, हिंदू राष्ट्र बनाउण दा एजेंडा है। जिहड़ा भी संत महात्मा, जिहड़ा भी गुरु पीर फकीर इन्हां दे आरएसएस ते जाके पैरां ते जाके इन्हां दे सिर धरदा है, वह इन्हां दा मित्र प्यारा, ते जिहड़ा भी इन्हां दे खिलाफ इन्हां दे जिहड़े इन्हां दे चल रहे हैगे एजेंडे, ठीक है जी, इन्हां दे माफिया चल रहे, नशा माफिया, गैंग माफिया, लैंड माफिया, जिहड़े इन्हां दे खिलाफ बोलदे हैगे, उन्हां दे खिलाफ फिर इदां दीआं कारवाइयां हुंदीआं ने। जे तुसीं हुण ना जागे ना, फिर तुसीं सुत्ते ही रह जाओगे, क्योंकि हजार साल की गुलामी मुगलां तो, डच्चां तो, मंगोलां तो, अफगानियां तो, अंग्रेजां तो, साडी ईरखा नहीं दवाई है, होर किसी चीज ने नहीं दवाई। सो मेरे शब्द जे किसी नूं